नमस्कार, मैं हूं शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूं प्रदेश तक में। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तक सभी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कल जयपुर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सीएम गहलोत, सचिन पायलट, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री समेत राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बातचीत की। इस बैठक में आगामी चुनाव और टिकट वितरण को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें, बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की घोषणा की थी, जिसका अध्यक्ष सुखजिंदर रंधावा को बनाया गया था। जयपुर में बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी सितंबर के अंत सप्ताह में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 156 सीटें कांग्रेस के खाते में आती नजर आ रही हैं। प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है, जनता हमारे कामों से खुश है, इसलिए इस बार भी भारी बहुमत से सरकार रिपीट करेंगे। टिकट के बंटवारे को लेकर सीएम गहलोत ने कहा, कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जिलों में जाकर तमाम नेताओं की राय लेंगे और उसके हिसाब से उम्मीदवारों की लिस्ट तय की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने मीटिंग के दौरान प्रदेश के नेताओं को विधानसभा चुनाव जीतने के गुर बताए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।